जय हिंद दोस्तों। जो कि आज हम लोग जो सेशन चल रहा है मैथ का, उसको आगे बढ़ाते हुए फिर से एक नया सेशन शुरू करते हैं। और जो कि पिछले दो दिनों में जो पेपर हो रहा है, जो हो चुके हैं, उसमें आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन है सारे वही आ रहे हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सारे नॉर्मल क्वेश्चन है और पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन है। तो इसी को क्रम में आगे बढ़ते हैं। और बात यह है कि आप लोगों को मेहनत हमेशा करना ही पड़ेगा और करते रहना भी चाहिए। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर मेहनत हम ना करें ये तो गलत बात है। तो आज आप लोग मेहनत करते रहिए। और साथ में आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम फिर से लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नए सेशन की तरफ। आइए, आज हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं और आगे भी आने के चांसेस पूरा है। आज जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मासा पर आधारित प्रश्न, जिसमें 24 व 18 का मासा पूछा जा रहा है। 24 व 18 का मासा, आप इसको मासा हो लसा हो, इसको आप ऑप्शन से देखकर काम कर सकते हैं। मासा वह होता है जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे, लेकिन वह होनी चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। ऑप्शन देखिए कि 12 है, 12 से 24 में आप भाग दे सकते हो, 12 से 18 में भाग जाएगा नहीं, तो मासा क्या है, 12 नहीं हो सकता। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है उसे कहते हैं मासा। तो मासा यानी 12 को ऑप्शन लिया जाए तो 12 24 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 12 18 को नहीं, तो 12 मासा नहीं होगा। 8 से करेंगे तो 8 3 24, 8 से 18 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। लेते हैं सी ऑप्शन को, 9 से नहीं कटेगा 24, तो ये तो गलत हो गया। 18 है, 9 दुना 18, ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन आपका जाहिर सी बात है ये सही हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो 6 24 में भाग देंगे तो 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, तो आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन मासा क्या होगा, 6 होगा। और याद रखिए मासा होता क्या है, मासा यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। और जो संख्याएं दी जाती हैं उसमें जो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ 24 और 18 में छोटा कौन सा, 18, तो ये 18 या तो कभी कभी वह छोटी संख्या ही मासा हो जाती है, नहीं तो उसका कोई एक फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है वह। अब फैक्टर देखा जाए तो 18 का फैक्टर 9 है, 6 है, 9 6 3 2 और 1। आपको देखिए 9 से आप इसके फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करें नंबरों को, तो 9 से नहीं कटा 24, तो 9 तो मासा नहीं हुआ। 6 से देखिए आप, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, तो ये आपका 6 जो है यह बड़ी से बड़ी संख्या। ऑप्शन में अगर 3 होता तो 6 3 ऐसा होता तो 3 से 24 जाता है, 3 से 18 भी जाता है, लेकिन 6 और 3 में बड़ा कौन है, 6, इसलिए मासा हमेशा बड़ा सा बड़ा कॉमन होता है, जो वह मासा होता है। तो 24 और 18 का मासा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। 3/4, ये भिन्नों का लसा और मासा की बात है। 3/4 क्वेश्चन है, 3/4, 5/6, 7/8 का मासा ज्ञात करें। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि 3/4, 5/6 और 7/8 का मासा क्या होगा। तो मासा के लिए हमें करना क्या है, भिन्नों में, भिन्नों के लसा, भिन्नों के लसा और मासा की कंडीशन में हमसे अगर एससीएफ पूछा जाए तो अंशों का क्या लेंगे,
अंश में जो संख्याएं दी गई हैं अंशों का निकालेंगे जो पूछा जाए वो, यानी मासा पूछा है तो मासा, और डिवाइड बाई जो हरों में है हरों का निकालेंगे जस्ट उसका उल्टा यानी लस। बस यही निकाल कर हम कर देंगे वैल्यू पुट। वंशों का मासा, अंश में देखिए कौन कौन सी संख्या है, तीन है, पांच है, सात है, इसका मासा चाहिए। ठीक, अब तीन पांच सात का मासा आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या एक है, तो एक सबसे छोटी संख्या तीन है, तो तीन या तो मासा तीन हो सकता है या तो इसका कोई फैक्टर होगा, तो तीन से पांच कटेगा नहीं तो तीन मासा होगा नहीं, तो तीन का जो फैक्टर है एक है, तीन पांच सात का मासा कितना होगा एक होगा, कितना होगा एक, बटे में लिखें चार छ आठ, चार छ आठ का निकालना पड़ेगा लस, और लस में वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे कहते हैं लस, और लस हमेशा जो बड़ा संख्या है जो बड़ी संख्या है उसका कोई ना कोई एक मल्टीपल होता है। तो आठ देखें, आठ में छह से जाएगा नहीं, आठ दुना सोलह करेंगे तो छह से जाएगा नहीं, आठ त्रिक चौबीस करेंगे तो चार छह और आठ तीनों से चला जाएगा, इसलिए हम बटे में इसको चौबीस रखेंगे, यानी चार छ आठ का लसा कितना होगा एक बटे चौबीस, इसका फाइनल आंसर होगा एक बटे चौबीस, जो कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से लसा मासा निकालते हैं। लसा जब पूछा जाए यहीं पर, अगर लसा पूछा गया होता लसा तो भिन्नों कर्म में अंशों का कब तब निकालते हम लसा, और बटे में हरों का तब कर देते मासा, तो हमारा लस और मस निकल आता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तीन पांच सात का लस, ये देखो ऐसे भी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का मस एक होता है, अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का मास हमेशा एक होता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जो भी होगा इंपॉर्टेंट ही होगा। अब नया क्वेश्चन है दशमलव का लसा ज्ञात करना, दशमलव का लसा ज्ञात करना। इसमें देखिए दशमलव के लसा में कोई घबराने वाली बात नहीं है, वैसे अगर यहां पर देखिए एक अंक में दशमलव है और पहले एक अंक पे है, यहाँ दो अंक पे है और यहाँ भी दो अंक पे है, तो क्या करें इसको, हम एक काम कर सकते हैं, या तो पूर्णांक बना लीजिए, या तो पूर्णांक बना लीजिए, अदरवाइज इसको जो है 0.3 है इसको हम भी इसको दो अंक बना लें, जीरो लिख सकते हैं, और अगर जीरो लिख सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 0.30 या 0.3 लिखें, मान तो वही है। 0.12 है ये भी सही है, दो अंक, एंड ये 0.24 है। अब देख रहे हैं कि समान अंकों पे दशमलव है, दशमलव कितने है टू डिजिट पे है, दशमलव समान अंकों पे, यहां भी दो अंक पे, यहां भी दो अंक पे, यहां भी दो अंक पे, तो हम क्या करें, सबसे पहले दशमलव को भूल जाएं, दशमलव को भूल जाएं तो यानी मिलेगा क्या हमें 30, 12 व 24, और 30, 12 व 24 का लस निकालना है एलसीएम, तो जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें 30 है, इसका ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा, अगर वैसे नहीं बना पाते हो तो इस तरीके से आपको इस तरीके से लसा और मासा बनाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आपको जल्दी है कंपटीशन में है तो हमें 30 12 और 24 का एलसीएम सोच के भी कर सकते हैं, 30 का गुणज 30 दुना 60 होता है, 12 से कटेगा लेकिन 24 से नहीं कटेगा, ऐसा कुछ डायरेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा आपको, जैसे 120 हम कर ले, 120 जो है यह 30 से भी कटेगा, 12 के टेबल में भी आता है और 24 25 120 होता है, इसका आ जाएगा कितना 120, यानी 30 12 24 का एलसीएम 120 होगा। 120 जब आ जाए तो आप क्या करें, दो अंक पे दशमलव था तो आप दाएं से दो अंक चल के दशमलव लगा दे 1.20, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 1.2।
1.2 का मतलब है कि 1.20 ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसमें बता दें आपको, या तो इसको आप पूर्णांक बना दो, क्या बना दो, पूर्णांक बना लो, 0.3 है, इसको पूर्णांक बनाए। पूर्णांक बनाने के लिए जितने से ऊपर गुणा उतने से नीचे भाग, यानी 10 से यहां गुणा करना होगा तो ये पूर्णांक होगा 3/10, यहां पे करेंगे तो 12/100, और यहां करेंगे तो ये 24/100। अब इसको क्या करना है, पहला स्टेप है इसको पूर्णांक बनाए, पूर्णांक बना दिया। दूसरे स्टेप में है कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/10 का 3/10 ही होगा, ये कटेगा 4 से तो 4 3 12 और 25 4 100, और 24/100 है तो 24/100 को काटेंगे तो 6/25 होगा। यहां आपको लस चाहिए तो ऊपर वाले का लस ये भिन्न हो गया, और ऊपर वाले का लस यानी 3 3 6 का लस कितना होगा, 6, जो बड़ी संख्या है या वो होगी या तो उसका कोई मल्टीपल होगा, तो 6 6 में 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 6 से भी जाएगा, और 10 25 और 25 का मस अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रही है, तो वह है 5, कितना है 5, तो ये 5, 6 में 5 से भाग देंगे 1.2, 1.2 का मतलब 1.20 भी लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लस और मस निकालते हैं। अब इसमें रहा, अगर मस पूछा जाता तो सेम काम यही था, यहाँ आने के बाद ऊपर वाले का मस और नीचे वाले का लस निकालकर हम प्रश्न को अपना क्लियर करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आगे आइए, यहाँ घातांकों पर आधारित लस और मस ज्ञात करना। घातांकों पर लस मस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं उसके बारे में जान लें। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 2 घाते 5, ये वैसे होता है, इसे कहते हैं आधार बेस, और ये जो होता है इसे कहते हैं घात, उसे पावर। ये 2 घाते 5 है। अगर हमसे 2 घाते 5, ये 2 घाते 5 और 2 घाते 8 दोनों संख्याओं का आधार क्या है, आधार 2 2 है, यानी आधार जब समान हो, आधार समान हो तो इसका लस निकालने के लिए हमें जो लस के लिए जो घात सबसे बड़ी होगी वह हमारा लस होता है, यानी 2 घाते 8। अगर यही मस होता तो ये 2 घाते आपका छोटी घात लेते, यानी 5। मस छोटी घात और लस बड़ी घात, जब क्या हो, आधार सेम हो। तो इस तरीके से सेम पैटर्न पे आके यहाँ पे प्रश्न करें हम कि इसका लस और मस होगा क्या। तो इसका लस मस देखने के लिए हम देखिए 2 घाते 3 और 2 गुणे 3 घाते 5 और 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 2। तो पहले ये देखो कि 2 घाते 3 है, अगर ये चीज और ये चीज नहीं होता, 2 घाते 3 और 2 घाते 5 का लस कितना, तो आप कहते 2 घाते 5, कितना कहते, 2 घाते 5 इसका लस है। गुणा है तो गुणा करें, फिर अगर ये मान लीजिए ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो 3 घाते 5 और 3 घाते 2 होता, तो इसका लस कितना, 3 घाते 5, बड़ी घात लेना है तो 3 घाते 5, ये आपका लस हो गया, ये क्या हो गया, लस। तो हमारा रिजल्ट क्या है, हमसे पूछा गया लस, तो लस में हमारा 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 5, यानी आंसर जाता है ए की तरफ, यानी ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर यहीं पे मस पूछा होता, क्या पूछा होता, मस, तो हमें छोटी घात लेना है, यानी 2 घाते 3 और यहां 2 घाते 5 में छोटी घात क्या है, 2 घाते 3, क्या है, 2 घाते 3 गुणा, यहां फिर देखें 3 घाते 5 और 3 घाते 2 में छोटी घात किसकी है, 3 घाते 2 की, तो 3 घाते 2, तो ये इसका मस होता। मस निकालने में छोटी घात और लस निकालने में बड़ी घातों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से घातांक पर आधारित प्रश्न आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही दमदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस पर प्रश्न 17 तारीख को भी एग्जाम में देखने को मिला है और 18 को भी मिला है,
तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लश 77 है। क्या क्या दिया है? महत्तम समापवर्तक मस यानी 11 और लस 7700 है, 7700 है। ये उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है? ये जो टाइप है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है, क्योंकि 17 तारीख को सुबह ही ये टपक पड़ा था। 17 तारीख को सुबह ही ये ऐसे इस टाइप में प्रश्न आए थे, तो आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इसको कभी मत भूलिएगा, इसको तो याद ही रखिएगा, और बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसमें क्या करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अब हुआ क्या कि जो 17 तारीख को सेट में आया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल डायरेक्ट दिया और लस दे दिया था और मस पूछ लिया था, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं। अब देखें यहां महत्तम समापवर्तक कितना, 11, तो महत्तम की जगह मस की जगह 11 रख दो भैया। लस कितना है, 7700 है, 7700 रख दीजिए, सही है। पहली संख्या कितनी है, 275, तो 275 रख दो। दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या रख दीजिए, कि नहीं पता तुम्ही को तो खोज रहे हैं, जब तुम्ही को खोज रहे हैं तो तुम मिलोगे कैसे, नहीं लो कैसे मिलेंगे, 7700 गुणे 11 भागे 275। तो अब काट पीट दीजिए, आंसर हो गया आपका। आंसर कैसे होगा, 11 इक्नम 11 11 दूनी 22 11 25 55। कट गया, 25 से काट दें तो 25 इक्नम 25 और 25 चौका 100, ये बचेगा 77 गुणे 4। 77 गुणे 4 का मतलब है 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 2 30, 308। यानी दूसरी संख्या क्या होगी, 308 होगी। यहाँ देखिए 308 318, थोड़ा सा भी गुणा भाग गड़बड़ करेंगे तो तुरंत चले जाएंगे 318 पे। इसलिए याद रखिए आपका आंसर क्या हो रहा है, 308, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। कभी कभी इन दोनों संख्याओं के गुणनफल देगा तो इसकी जगह प्लेस करिएगा, लस पूछा जाए मस पूछा जाए। हो सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो, लस या मस में से कोई एक दिया हो, तो जैसे जैसे है वैसे वैल्यू रखकर केवल काट पीट देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेली आ रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि इनका मस 17 है तो बड़ी संख्या होगी। इसमें है कि पहली और दूसरी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 3:5, कितना है, 3:5 है। यदि इनका मस क्या भैया, मस कितना है, मस अगर 17 है, कितना है 17 है, तो बताइए बड़ी संख्या, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर मस एचसीएफ पता है, एचसीएफ पता है आपको, और संख्याओं का अनुपात पता है, संख्याओं का अनुपात पता है, तो डायरेक्ट मस का मल्टीप्लाई आप छोटी में पूछे तो छोटी से और बड़ी से पूछे तो बड़ी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहली संख्या अगर निकालनी होती तो 3 गुणे 17 17 3 51, और दूसरी पूछा होता तो आप कहते 5 गुणे 17, तो 17 25 85 17 25 85, ये रिजल्ट होता। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, 51 नहीं, बड़ी संख्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या पूछा, 51 नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा 85, सही है। तो यानी ये मस का डायरेक्ट आप गुणा करना है कि पहले से छोटी पूछे तो 17 51 और बड़ी पूछे तो 17 25 85, कभी योग पूछे दे तो इन दोनों को योग कर दो, 3 और 5 8,
आठ सत्रह अट्ठे होता है कितना 136, आंसर हो जाएगा। वैसे ऐसे भी जोड़ के निकाल लोगे लेकिन डायरेक्ट कर लेना। अंतर पूछे तो दोनों में अंतर कितने का है, दो का, तो 17 × 2 = 34, ठीक है। अगर इसी में प्रश्न एक बना दे कि इन संख्याओं का लसा बताइए, चलिए इसी संख्या में अगर कह दिया होता कि लसा बताइए, बड़ी संख्या नहीं बताइए, इन्हीं संख्याओं का लसा बताइए, तो अनुपातों का गुणा 3 × 5, अनुपातों का गुणा गुणे मस, यानी 3 × 5 = 17, तो यहां से 3 × 5 = 15, 15 × 17, तो 15 × 17 करते तो 15 × 7 = 105 हासिल, 10 × 15 = 15, 15 × 10 = 25, 225 इसका आंसर हो जाता, कितना होता 225, ठीक है। तो लसा निकालने के लिए यह सूत्र है कि अनुपातों का गुणनफल गुणे मस, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लसा के लिए, लसा बराबर अनुपातों का गुणनफल गुणे मस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24 व 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, कितना शेष बचे, 5 शेष बचाना है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इस कंडीशन में देखो, आप खुद सोचो कि ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो इसके आप लाभ ले सकते हैं, इसका लाभ आप ले सकते हैं कि इसका होगा क्या। अब आप देखें 18 से भाग दें तो 180 कट जाएगा, 24 से नहीं कटेगा, 30 से कट जाएगा, लेकिन हाँ तो इसमें आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में आपको जैसे 18 है, 24 है, वह 30 है, इसका सबसे पहले आपको निकालना है लस, कितना निकालना है लस, सही है, क्या निकालना है लस। तो 18, 24, 30 का लस आ जाएगा, आपको मिलेगा कितना 360, कितना मिलेगा 360, ठीक 360 होगा, और 360 लस हो जाएगा। क्या करना है, ऐसी दशा में आपको सबसे पहले लस निकाल लेना है, और जब कहे प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे तो जो शेष है उसी को क्या करना है, जोड़ना है, घटाना नहीं, जोड़ना है। याद रखिएगा 360 में आप जो शेष बच रहा है उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 360 प्लस 5 तो आंसर आएगा 365, ये होगी संख्या, ये होगी क्या संख्या, तो संख्या बराबर 365, यानी 365 में अगर आप किससे भाग दें, 18 से भाग दें तो भी शेष 5, 24 से भाग दें तो भी शेष 5, और 30 से भाग दें तो भी शेष 5, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। कभी कभी आंसर में आपका 355 भी हो सकता है, 355, तो ध्यान से देखिएगा, लोग कभी कभी शेष घटा देते हैं, तो घटाना नहीं है, हमेशा शेष को जोड़ देना है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बने तो आप लोग बना लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुपात पर आधारित प्रश्न है, अनुपात पर आधारित प्रश्न है और डेली आ रहा है, डेली एग्जाम में देखने को मिल रहा है इस प्रकार के प्रश्न। अभी ऐसे सेम पैटर्न में था, 17 को आया कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ऐसे देकर पूछ लिया ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले देखो करना कुछ नहीं है, ए बी सी, ए बी और सी तीन लोग हैं, हाँ ए बी सी तीन राशियां हैं, तो तीन राशियां रख लिया। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए की 2, तो बी की कितनी 5, तो 2 × 5 लिख दिया नीचे। अब क्या करना है, बी सी लिखना है, तो बी और सी यहाँ है, तो बी का मान यहाँ 5 है, तो बी की जगह 3 रखना है, तो यहाँ रखें और 4 को यहाँ रखें। क्या कर देना है, मान लो ये बाउंड्री है, तो इसको आगे बढ़ा लो 5 और इसको यहाँ तक,
दोनों को गुणा करो, 3 × 6 = 15 और 5 × 20। तो आप देखिए 6 × 15 = 20 आया है। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई करिएगा, अन्यथा सिंप्लीफाई नहीं तो आपका यही आंसर होगा। यानी आपका आंसर जाता है क्या, 6, 15 और 20, 6, 15 और 20, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। लेकिन एग्जामों में जैसे अगर कहा दिया कि ए अनुपात है, सी बताइए, अच्छा ये बताइए ए का मान कितना 6, सी का मान कितना 20, तो क्या हम 6 × 20 रख सकते थे? हाँ रख सकते थे। अगर ये अभी देखिए ये अनुपात सही नहीं है, 6 × 20, अब इन दोनों में कट सकता है 2 से, तो 2 से क्या करेंगे भाग, 2 × 6 और 2 × 10 = 20, तो ए अनुपात सी बराबर 3 × 10, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 75 छात्र हैं, एक कक्षा में 75 छात्र हैं जिसमें लड़के व लड़कियां 3 × 2 के अनुपात में हैं, तो इसमें लड़कियां कितने हैं? एक कक्षा है, कक्षा में कितने लोग हैं, 75 लोग, टोटल मिला के 75 है। अब इसमें से ये बताइए जो बॉय है और जो गर्ल्स है, इनका जो अनुपात है वह 3 × 2। याद रखिए अनुपात सही से देखना है कि पहले कभी कभी लड़कियां दे देता है, बाद में लड़के दे देता है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस सब बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ लड़के व लड़कियां, तो पहले लड़के फिर लड़कियां, तो 3 × 2 के अनुपात में है, सही है। यदि इसमें लड़कियां कितनी है, अच्छा ये बताइए दोनों मिला के 75 है ना, तो 3 × 2 = 5, 5 = 75 के 1 ÷ 75 = 5 = 15 के, कितना 15, 1 ÷ 15 है। अब इसमें लड़कियां पूछा है तो लड़कियां कितनी है, 2 ÷, तो 15 × 2 = 15 कर देंगे, तो 15 × 2 = 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर लड़के पूछा होता तो 15 × 3 = 45, ठीक है। तो ये कभी लड़के पूछे कभी लड़कियां पूछे, तो इस तरीके से प्रश्न करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाता है, 45 × 30, लड़के पूछे लड़कियां पूछा है, लड़कियां हैं 30 जो कि 2 है, तो लड़कियों की संख्या 30 और लड़कों की संख्या 45, ठीक है। जल्दबाजी में 45 मत मारिएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। आगे आइए, 2 संख्याओं का योग 90 है और उनका अनुपात 7 × 8 है, सेम पैटर्न है, वही क्वेश्चन कि 90 है, 2 संख्याओं का योग, 90 किसका योग है, 2 संख्याओं का, पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या का अनुपात 8, 7 × 8, दोनों का अनुपात मिला के 90 है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 × 7 = 15, 15 × x = किसके, 90 के, तो x = 6 आएगा, x = 6, 1x का मान 6, तो ये बताइए 7 × 6 = 42 और 6 × 8 = 48, तो पहली संख्या 42 और दूसरी है 48, तो ऑप्शन जाता है बी की तरफ, तो ये 42 और 48, वैसे भी अब डायरेक्ट देखिए ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन से मैच कर जाए, 42 और 48 दोनों का जोड़ने पे 90 आ रहा है, यहाँ जोड़ने पे 90 नहीं आना है, यहाँ भी जोड़ने पे 90 नहीं आना है, यहाँ भी जोड़ने पे, यानी कि आपको ये देखना है कि जोड़ने पर 90 आना चाहिए और अनुपात 7 × 8 भी होना चाहिए। ये बात है कि कभी 90 जोड़ने तो आ जाता है लेकिन अनुपात अलग होता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो दोनों का योग 90, पहली संख्या 7 दूसरी संख्या 8, पहली संख्या 7 × 8 के अनुपात में है और जब दोनों का योग 90 है तो दोनों का सम करें, 7 × 8 = 15, 15 × x = 90, x = 6, 1x का मान 6 मिल गया, तो 7x = 6 = 42, 7 × 8 = 48, ठीक है। इसमें 6 से गुणा किया है तो मिल गया 42 और इसमें 6 से गुणा किया तो मिल गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक व्यक्ति के व्यय व बचत का अनुपात 5 × 3 है, एक व्यक्ति के व्यय व बचत का अनुपात 5 × 3 है, यदि वह प्रत्येक माह 1800 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय। अच्छा ये बताओ किसका किसका अनुपात दिया है भाई, किसका किसका अनुपात है, व्यय और बचत,
बहुत अच्छा, व्यय 5 और बचत 3। अरे जितना हमने व्यय किया और जितना हमने बचत किया दोनों को मिला दें तो यही तो आय होगा। सही बात, तो क्या करें, इसको जोड़ दें घटा दें, आप ही बताओ। जोड़ देते हैं, ठीक है जोड़ते हैं मतलब। अच्छा ये बताओ आय बराबर क्या होता है, आय किसी का निकालना है भैया जितना आपने व्यय किया और जितना आपने बचत किया दोनों को मिला दें तो यही तो आय होता है। और इस कंडीशन में 5 + 3 8x बराबर 1800। यदि वह प्रत्येक माह 1800 रुपए की बचत करता है, गलत हो गया, यहाँ बचत 1800 रुपए की है, यानी बचत का अनुपात देखें कितना है 3, बचत का अनुपात कितना 3, तो बचत का अनुपात 3 है तो 3x बराबर आप तुरंत रखें 1800, 1800 रुपए की बचत करा और अनुपात में देखिए तो 3 कर रहा है, तो 3x बराबर 1800 के 1x बराबर 1800 भागे 3 बराबर आ जाएगा 600, और 1x का मान 600 तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1x का मान 600 तो 8x का मान 8 × 6 = 4800, कितना रुपए भाई 4800 रुपए। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना ऑप्शन सी, व्यय नहीं पूछा है यहाँ, मासिक आय पूछा है, तो मासिक आय के लिए आय बराबर व्यय प्लस बचत, तो व्यय प्लस बचत 5 × 3 = 8, व्यय बचत दिया था 3x, 3x बराबर 1800, तो 1x का मान 600, जब 1x का मान 600 तो 8x का मान कितना भाई 8 × 6 = 4800 रुपए, करेक्ट। चलिए एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो कौन सा त्रिभुज है, पहले तो ये बताओ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता कितना है 180 अंश, कितना त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, सही है। अब यहां पे दिया है त्रिभुज के कोण, अगर ये मान लीजिए 2x है, ये 3x है, ये 5x है, तो तीनों का अनुपात है, तो यह कौन सा त्रिभुज है, तो पहले देखो कि कोण निकाल लो, कोण निकालने के लिए 2, 3, 5, 5 × 3 = 8, 2, 10, 10x बराबर कर लो कितने के 180 के, 180 तो x बराबर 18 डिग्री, अगर x बराबर 18 डिग्री तो 18 × 5 = 90 और 18 × 3 = 54, यानी पहला कोण सबसे छोटा कोण कभी पूछा जाए तो 2:3:5 है, तो 18 × 36 degrees, 18 × 3 = 54 degrees और 18 × 5 = 90 degrees, तो अगर कोई एक कोण अगर 90 अंश हो गया, कोई अगर एक कोण 90 अंश हो गया तो यानी वह कौन सा त्रिभुज होता है समकोण, कौन सा त्रिभुज समकोण, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है जिसके तीनों कोणों का तीनों कोण 90 से क्या हो 90 से कम हो, जिस त्रिभुज का कोण 90 से कम हो न्यून कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण जिसका जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से क्या हो 90 से अधिक हो 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण, और जो 90 के बराबर हो जिसका एक कोण 90 के बराबर हो उसे समकोण, ठीक है। तो त्रिभुज के कोणों के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी तीन होते हैं, और त्रिभुज में कितने शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष, कितनी भुजाएं 3, अंतःकोण कितने 3, तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश, बहिष्कोणों का योग 360 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12, 18, x, 35, 70 का औसत 31 है, तो x का मान ज्ञात करें, यानी 12, 18, x, 35 और 70 का औसत कितना 31 है, तो x का मान पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या करना है, औसत बराबर याद रखिए औसत जब भी निकालना हो तो औसत बराबर
पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या ये होता है ना भाई, ये तो बेसिक फार्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपको करना क्या है कि औसत 31 है, औसत की जगह 31 रख दें, जोड़े सबको तो 12 18 कितना 30, 30 और 70 100, 100 और प्लस 35 135 ये हो गया, प्लस यक्ष एक संख्या ही है और पदों की संख्या 1 2 3 4 और 1 5, इसका गुणा करें तिरछा त्रास मल्टीप्लाई तो 5 51 5 5 3 15 165 135 प्लस यक्ष, यानी x बराबर आ जाएगा 165 माइनस 135 बराबर आंसर होगा 30, कितना 30, तो यानी x की जगह पर अगर 30 होता तो औसत उसका 31 होता, कितना होता दोस्तों 31 होता, यानी यहाँ पे अगर 30 होता तीन सबको मिला के 5 से अगर भाग देते तो मिलता कितना 31, और इससे आसान तरीका है इन सबको जोड़ लो आएगा कितना 135 प्लस इसको x बराबर 31 है औसत और पदों की संख्या है 5 तो डायरेक्ट गुणा करो तो ये आ जाएगा 165, तो x बराबर 165 माइनस 135 आंसर आता है 30, कितना 30 ये आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं कुछ और सीखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे के लिए आपके हेल्पफुल हो। 48 70 80 90 52 और 60 का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें तो क्या करिए, औसत के लिए सभी को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए पदों की संख्या से। चलिए जोड़ते हैं, 2 8 2 10, 8 2 10, 10 का 0, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 5 5 7 5 12 12 8 20 20 9 29 29 20 9 29 29 5 34 34 6 40 40 400, हाँ 8 2 10 5 7 5 12 12 8 20 20 9 29 29 5 34 34 6 40, ठीक है 400 और डिवाइड बाय कितने 2 2 4 2 6 6 संख्याएं, 6 से भाग देंगे, ठीक है 6 से भाग देंगे तो आएगा ये 6 6 36, 4 आ जाएगा 6 6 6.67, यानी ये आएगा आंसर जो कि इसमें कोई है नहीं तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्या होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो चले आगे की तरफ, इसमें कुछ नहीं है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आगे है मध्यानुपाती होगा, 18 का मध्यानुपाती क्या होगा, अनुपात के प्रश्न में हम देखते हैं कि मध्यानुपाती निकालना है, क्या निकालना है मध्यानुपाती, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मध्यानुपाती, 8 व 18 का मध्यानुपाती। वैसे मध्यानुपाती के लिए फार्मूला भी याद रखना है आपको, मध्यानुपाती b बराबर होता है अंडर रूट a इंटू सी, ए रूट a इंटू सी, तो यहां डायरेक्ट करना है तो 18 गुणे 8, तो 18 8 144 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 12, जो कि ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्यानुपाती के लिए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी, 18 गुणे 8 बराबर 144 और 12 वर्गमूल हो जाएगा। अगर ये याद रखिए मध्यानुपाती का फार्मूला है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप डायरेक्ट फार्मूला ही एग्जामों में पूछ लेता है, मध्यानुपाती बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी। अगर इसी में बात करें हम मध्यानुपाती के अलावा, कभी प्रथमानुपाती पूछा जाता है, प्रथमानुपाती
प्रथमानुपाती के लिए बी स्क्वायर अपान सी, मध्यानुपाती के लिए अभी बताया हूं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी, और तृतीयानुपाती कभी पूछा जाए तृतीयानुपाती बराबर, तृतीयानुपाती बराबर, तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर अपान ए। ये तीन फार्मूले आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपका एग्जामों में जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये फार्मूले के तहत आप करेंगे प्रथमानुपाती, कभी बाई दी अगर फार्मूला नहीं आया तो आप कैसे करेंगे, ए बी और सी है तो तीन पद है, तो इसमें प्रथमानुपाती, इसे मध्यानुपाती और इसे तृतीयानुपाती बोलते हैं। इसको सजाइएगा ए अनुपाते बी, समानुपाते बी अनुपाते सी करके बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ये देखिए 18 है और 8 का मध्यानुपाती, तो 18 अनुपाते मध्य की जगह x लगाइए, यहां भी x और यहां 8, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के, x स्क्वायर बराबर 18 गुणे 8, 18 गुणे 8 बराबर 144, एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर कितना 12। तो अगर याद ना हो तो इससे भी प्रश्न आप जरूर बनाइए, छोड़ना नहीं है। 18 व 8 का मध्यानुपाती, 18 व 8 बार बार और मध्यानुपाती की जगह एक्स एक्स लगा के एक्स स्क्वायर बराबर 18 144, वर्गमूल निकाले 12, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 तथा 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा, 9 तथा 12 का तृतीयानुपाती। तो देखें इसमें तृतीयानुपाती पूछा है, तो ये जो ए है यानी जो ये है आपका 9 तथा 12, तो ये जो 9 है ये ए की जगह है और ये जो 12 है ये बी की जगह है, तो तृतीयानुपाती के लिए सी बराबर बी स्क्वायर अपान ए होता है। तो बी स्क्वायर यानी बी की जगह 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई ए की जगह 9, तो 12 पर आइए हम 144 भागे 9, तो आंसर 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो आंसर इसमें क्या है सी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तृतीयानुपाती के लिए फार्मूला है सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए, और अगर इससे नहीं लगाना है याद रखिए फार्मूला भी पूछता है, तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर अपान ए, ठीक है। आगे चले, इसी को अगर हमारा नहीं याद है तो कैसे करेंगे, नहीं याद है तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या बनाइए, 9 अनुपाते 12 समानुपाते 12 अनुपाते x, यानी तृतीय पोजीशन जो जिस पोजीशन पर पूछा हो उस पोजीशन को x लगाएंगे, उस पोजीशन को क्या लगा देंगे x लगा देंगे, और फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणन से 9 गुणे x बराबर 12 गुणे 12, x बराबर 12 बराबर 144 भागे 9 आ जाएगा 16। इस तरीके से आप प्रश्न को छोड़ना नहीं है, 100% करके ही एग्जाम में आना है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है 16, जो कि हो चुका है ऑलरेडी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही प्रश्नों में एग्जामों में देखा गया है। 30 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यहाँ पे क्या करना है आयु, क्या है यहाँ आयु, 30 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी यहां लिखें 30 छात्र की औसत आयु कितनी है भाई 10 वर्ष है, क्या है 10 वर्ष है। यदि उनमें उनके शिक्षक की आयु आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु क्या हो जाती है, औसत आयु 11 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें, तो देखें 30 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष, एक और आ गए, तो कौन आया शिक्षक आया, तो 31 लोग हो गए,
और औसत कितना हो गया, एक साल बढ़ गया यानी 11 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, ये जो डिफरेंस है उसका गुणा आप इधर करें तिरछे यहां, तो 30 गुणे 1 प्लस इसका डिफरेंस का अंतर आप इससे गुणा करें तो 1 गुणे 11, तो जब जोड़ेंगे तो 30 गुणे 1 बराबर 30 प्लस 11 गुणे 1 11, तो ये आ जाएगा 41 वर्ष। यानी जो टीचर होंगे वो कितने साल के होंगे, 41 साल के, कितने साल के, 41 साल के। तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये 30 छात्र कितना औसत 10 वर्ष, टीचर शामिल हुआ तो 31 हुए, औसत 11 हो गया, तो कितने की वृद्धि, 1 की। इस जो वृद्धि है, जो डिफरेंस आ रहा है उसका मल्टीप्लाई इधर, और इधर का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई इधर, दोनों को करके जोड़ लें तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 30 छात्रों का औसत है 10, 30 गुणे 10 प्लस अध्यापक का उम्र बराबर, अब कितने लोग हैं, 31 लोग हो गए और औसत कितना 11, इसी को सॉल्व कर लें तो आपको मिल जाएगा अध्यापक की उम्र, यानी अध्यापक की उम्र यहां मिलेगी 11 तीन 33 33 1 34 माइनस 3 दहा में 300, ये आएगा कितना 41 वर्ष। एक लाइन का क्वेश्चन होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, ये बहुत ही देखने को मिलता है, अध्यापक आ जाए या कुछ और आ जाए लेकिन अध्यापक का ही ज्यादा करके प्रश्न देखने को मिला है। इस तरीके से आप प्रश्न बना सकते हैं दोनों मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, औसत निकालना है प्रथम 20, प्रथम 20 प्राकृत संख्या यानी विषम संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी स्टार्ट होती है कहां से, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1, 2, +3+ ऐसे करते हुए कहां तक जाना है, 20 तक। इसका औसत ज्ञात करना है, योग नहीं ज्ञात करना, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये तो होता ही है, एक औसत है अगर अंतर समान है, सभी पदों के बीच अंतर अगर समान है तो आप औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में दो करें, क्या करें, दो। प्रथम पद कितना 1, अंतिम पद कितना 20 भागे 2, भैया 21 में 2 से भाग दे लो, दे पाओगे कि नहीं, तो 10.5 आंसर हो जाएगा, कितना 10.5, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। यानी जब ऐसे सवाल कहीं हो डिफरेंस समान हो, क्या हो, डिफरेंस अंतर समान हो, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे पहला टर्म लीजिए अंतिम टर्म, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। और अगला क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 35, बहुत ढांसू क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन। 15 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में यानी 15 जो संख्याएं हैं उनमें 15 संख्याओं में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जब देखो कि अगर जब बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या, इसमें प्रत्येक संख्या, जब प्रत्येक संख्या में चाहे जितनी संख्या हो उससे आपसे नहीं मतलब है, प्रत्येक संख्या बोल दिया अगर वृद्धि कर रहा है तो जो पुराना औसत है कितना है, पुराना औसत 35 है, अगर वृद्धि सभी में किया है तो जितनी की वृद्धि हो रही उतना जोड़ दो, 35 3 38, इसका आंसर हो जाएगा कितना 38। यानी नया औसत बराबर पुराना औसत जो है उसमें अगर वृद्धि है तो जोड़ देना, देख लो अगर वृद्धि हुई है तो जोड़ देना,
कमी हुई है तो सीधे सीधे घटा देना, और मल्टीप्लाई हुआ है तो गुणा कर देना। क्या करिएगा? गुणा करिएगा, और भाग हो तो भाग दे दीजिएगा। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगी? जब ये कंडीशन तब लागू होगी जब ये प्रत्येक संख्या में ये काम किया जाए तब होगी। ठीक है, तो यहाँ 35 है, 15 संख्याओं का होता है 35, 15 संख्याओं का औसत 35, तो प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि तो कितना औसत 35 + 3 = 38। लेकिन अगर यही बोला होता कि 3 की कमी, तो आप डायरेक्ट कहते 35 - 3 = 32। ठीक है, अगर 3 से गुणा तो 35 × 3 भाग, तो 35 / 3। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न होते हैं, इसको एक लाइन में एक सेकंड में हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि 1260 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज का प्रश्न 17 के सभी शिफ्टों में, सभी शिफ्टों में साधारण ब्याज के प्रश्न देखे गए। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। कौन सा पूछ रहा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज SI = P×R×T/100। बस यही यूज करो, वैल्यू रखो आंसर। पी की जगह कितना? पी का मतलब 1260। आर की जगह कितना? कितना भाई? 5%, 5। समय कितना है? 3/100। काट दीजिए, 0 0 कट गया, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 2 से काटे 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 63 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, तो 189 रुपया। यानी 1260 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 189 रुपए। लग रहा है ऑप्शन हमारे यहाँ मिस्टेक हो गया है, अब किससे हुआ प्रभु जाने। तो इसका आंसर 189 होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो SI = PRT/100 याद रखते जाइए, प्रश्न भरपूर आ रहा है, यहाँ से भरपूर आ रहा है, तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, केवल वैल्यू रखो, आंसर ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी संख्या के 60% का 3/5, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो वह संख्या क्या होगी? ये प्रतिशत के सवाल हैं, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत छोटा सा प्रश्न। किसी संख्या के 60%, अरे भाई किसी संख्या के 60% बोलेगा तो आप कर नहीं पाओगे क्या? सभी लोग करोगे है कि नहीं? किसी संख्या के 60%, तो इस संख्या को मान लो कितना x का k का हो, तो 60% का मतलब फिर गुणा 3/5 है, कितना है? 3600, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां बताइए x गुणे 60/100 गुणे 3/5 = कितना? 36। काट दीजिए, बस काटना है, काटिए, 0 0 कट गया, और इसको आप x बराबर 36 × 5 × 10 / 6 × 3, तो 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, तो 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा 100। कितना आएगा? 100। यानी वह संख्या क्या रही होगी? 100। यानी 100 का अगर 60% निकालें और 60% का 3/5 निकालें तो ये कितना आएगा? तो ये 60/100 कर देंगे तो 100 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 12 3 = 36, तो ये आंसर हो जाता है। तो कौन सा आंसर है? 100। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे वो दिया हो, जैसे कहा हो, का की जगह गुणा मारिएगा, करते हुए आगे निकल लीजिए बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 90 का कितने% 240 होगा? 90 का कितने% 240 होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग हैं ये बड़ा देख के ना क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, 240 नीचे ले जाते हैं, 90 ऊपर ले जाते हैं, गुणा 100, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत।
तो ऐसा नहीं देखना है, कुछ इसमें शब्दों का फेर होता है। 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, 90 का, तो ये का है, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, तो आप लगा सकते हैं 90 का की जगह गुणा x बटे 100 बराबर कितने के, 240 के। ठीक है, इसको काट पीट दीजिए, रिजल्ट ले लीजिए, यानी 0 0 कट जाएगा और x बराबर 240 गुणे 10 भागे 9, तो यहां से 3 3 9, 3 8 24, 80, 800 भागे 3, 800 भागे 3 का मतलब है कि यह आ जाएगा कितना, 3 × 6 266, सही 2/3%, इसका रिजल्ट है 266, सही बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक तरीका ये है, अदरवाइज थोड़ा सा आसान और है कि जिसके साथ का होगा उसको नीचे ले जाना, ख्याल करना नीचे ले जाना, यानी 240 भागे जिसके साथ का होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे, और गुणा में 100 काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 8 24, वही 800 भागे 3, तो 800 भागे 3 का मतलब है 266, सही 2/3%। करेक्ट, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और ये प्रतिशत के सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है। अभी जैसे इसमें आ रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें या भिन्न को प्रतिशत में बदलें, जैसे 2/5 को भिन्न में बदलें, प्रतिशत में बदलें, 2/5 को किसमें बदलें, प्रतिशत में बदलें, तो क्या करना है, प्रतिशत लाने के लिए 2/5 प्रतिशत लाने के लिए भाई 100 से गुणा करना है, बस 5 बिसैया में 20 × 40% इसका रिजल्ट होगा। और कभी अगर परसेंट दिया है 40, जैसे अगर आपसे कहा जाए 25%, अगर 25% को भिन्न में बदलें, किसमें बदलें, भिन्न में बदलें, तो क्या करना है, 25 भागे में 100, तो इसको काट दीजिएगा तो 1/4 ये आंसर हो जाएगा। तो कभी आपका प्रश्न आ रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलें और कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलें, तो कुछ तक नहीं है, 2/5 अगर है तो 100 से गुणा कर दोगे प्रतिशत निकल आएगा, और प्रतिशत हटाना तो 100 से भाग, बस आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इसका 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%, तो यहां क्या करें, यक्ष का 45%, 45% का मतलब है 45/100 प्लस 90 का 30% यानी 30/100 बराबर 210 का 30/100। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 100 100 देखो हर जगह है, तो 100 100 का अगर नीचे हर जगह 100 100 है तो इसको आप हटा सकते हो, हटा दोगे तो यक्ष गुणे 45 प्लस 90 गुणे 30 बराबर 210 गुणे 30, यहां से क्या करें, यक्ष गुणे 45 बराबर 210 का गुणा कर लें, तो 210 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 3 3 3 2 6 6600, और इसका करेंगे तो -2700, तो इसमें से घटाएंगे तो 00 13 में से 7 जाएगा तो 6 5 में से 2 जाएगा तो 3 3600, 45 यक्ष बराबर 3600, यक्ष बराबर 3600 भागे 45, 45 से काटेंगे 3600 भागे 45, तो 9 5 45, 9 4 36, 400, 5 9 5, 5 8 40 80, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना, 80, यानी x का मान यहाँ पे कितना होगा, 80 होगा, 80, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कुछ करना नहीं है, जहां परसेंटेज हो वहां बटे 100, और जहां का हो उसकी जगह गुणा करके इसका निकालिए उसका निकालिए, इन दोनों को घटा के डायरेक्ट 45 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे चलें और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखते हुए, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, कितने परसेंट लड़के हैं, 70%, यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, यानी 70% क्या है, लड़के हैं,
70% लड़के है नहीं, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं या लड़कियों की संख्या 756 है। अच्छा ये बताइए, अगर टोटल की जब बात होती है तो आप क्या करते हैं, 100% लेते हैं, 100% लेते हैं। तो ये बताइए 70% अगर लड़के हैं, 100 में से 70 लड़के, तो लड़कियां कितनी भैया, 30%। लड़के और लड़कियां, लड़के कितने 70%, लड़कियां कितनी 30%, सही है। तो यहां लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या पूछ रही है, तो यानी लड़कियां कितनी है 30%। तो आप कहेंगे 30% लड़कियां हैं और लड़कियां हैं कितनी 756, तो क्या उसके बराबर रखेंगे, बराबर रखिएगा, 30% लड़कियां हैं और यहां दिया है 756 लड़कियां हैं, तो 30% बराबर 756, तो लड़के पूछ रहा है तो 70% निकाल लो। अगर कहा था कुल कितने छात्र हैं वहां विद्यालय में तो 100%, लेकिन लड़के पूछा है तो 70% लड़के हैं तो 70% निकालो, तो 756 भागे 30 से 1% का मान, और 70% लड़के हैं तो 70 से गुणा, 0 0 काट दो, 3 से काटेंगे तो 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6 बुढ़े 7, गुणा कर लीजिए 7 2 14, 7 5 35, 35 1 36, 7 2 14, 7 5 35 1 36, 7 2 14 3 17, 1764, यानी 1764 क्या है वहां लड़के। कुछ सवाल है दम, कोई दम नहीं भाई, 100% टोटल मानो, 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हैं, अपने आप बनाओ। अब लड़कियां कितनी है 756, यानी 30% बराबर 756, तो 1% का मान 756/30, और लड़के पूछा जाए तो 70 से गुणा, 70% लड़के ना तो 70% से गुणा, और टोटल छात्र पूछा होता तो 100 से गुणा करते, लेकिन हमसे लड़के पूछा था 70% से गुणा करते, हमने काम कर दिया। जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ते हैं बाबा भोले की नगरी में, तहलका मचा के चलते रहे हम लोग। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। कुछ लोग होते हैं बड़े शौकीन, चाहे पेट्रोल के दाम घट जाए लेकिन वो तब ज्यादा रफ्तार मारेंगे, तब ज्यादा चलेंगे, जितना खर्च कर रहे तो उतने खर्च करना है। तो ये सेकंड भर सवाल पहाड़ जैसा, लेकिन प्रश्न का सलूशन छोटा। करना क्या है, एक लाइन में पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी, तो कमी है कितने परसेंट की भाई, 10% की, तो 10% की कमी है तो 10 लिखो, और जब कमी हो तो 100 में से घटा के लिखना, क्या लिखना, 100 में से 10 घटा के लिखना, और जब वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देना, बस इतना काम कर रहा। और प्रतिशत लाना है तो 100 से ऊपर गुणा कर देना, बस और कुछ नहीं, इसी को सॉल्यूशन करें। तो 10 × 100 / 90, तो 100 कट गया, बचा कितना 100/9, 100/9 को सॉल्व करोगे 11 सही, 1/9% की क्या हो जाएगी वृद्धि, यानी खपत में 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी ए ऑप्शन आपका सही है, सही है। यानी जितने परसेंट की कमी बोला जाए उसको ऊपर बटे जितने की कमी हो 100 में से घटाना है, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से ऊपर गुणा करना है, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर कभी अगर बोले तो आपको क्या करना है, कमी बटे में 100 माइनस कमी और गुणे 100, ठीक है। और अगर वृद्धि हो तो यहीं पर माइनस की जगह क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
सही है, उम्मीद करते हैं कि सवाल कर ले जाएंगे। अगर कहता 20% की वृद्धि तो आप कहते 20 बटे वृद्धि की बोला तो 120 और प्रश्न लाने के लिए 100 से गुणा काट देते तो जो आता है आंसर। कहता 10% की वृद्धि तो आप कहते 10 की वृद्धि तो ठीक है भाई हम भी वृद्धि कर देंगे 100 में जोड़ देंगे और परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा काट भी दीजिएगा आंसर। चलिए यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, धासु बंदार और सुपर हिट प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। जैसे आप ऊपर किए सेम वही प्रश्न यहाँ पे भी है। यदि ए की आय, यदि ए और ये बी है, ए की आय बी से क्या है 20% कम है, अगर ये 100 है इसका कितना 20 कम तो 80 होगा, तो कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक, तो आप क्या करें 20 अधिक है बी की आय किससे, ए की आय से, तो जिसकी आय से ए की आय से जिसके साथ से लगा हो वो राशि नीचे जाती है यानी 80 और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, तो 20 चौका 80 आ जाएगा कितना 25%, कितना परसेंट 25%, ये आंसर हो जाएगा। और वैसे डायरेक्ट करना था 20% की कमी तो 20 लिखो, 100 में से कमी करो और 100 से गुणा करो, ठीक है आंसर हो गया 20 बटे 80 गुणे 100 तो रिजल्ट कितना 25% की क्या हो गई अधिक है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी क्वेश्चन के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल आगे नए सेशन के साथ, नए नए इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकता है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।